नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तभी कल्पेश। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको जो सीसी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई एरर आ रही है, जिस तरीके से आप दिख रही है, 10 प्रोवाइडेड डेटा डिड नॉट मैच विथ योर आधार कार्ड। अगर आपने टीसी का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आप सीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको इस तरीके की एरर शो कर रही होगी। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसका भी आज के इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, ये जो एरर आपकी शो कर रही है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि आपने जो अपना आधार कार्ड में जैसा डेटा है, वो अपने टीसी रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं फिलअप किया है। यानी कि आपका जो पूरा नाम होगा, वो पूरा नाम आपने अपने टीसी के रजिस्ट्रेशन में नहीं डाला होगा। जैसे कि आपका सरनेम होगा, आपका नाम होगा, और उसके बाद अगर आपका फादर का नाम साथ में है, तो आपको उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन आपने सरनेम और अपना नाम ही लिख दिया होगा, उस वजह से भी नहीं आ रही। और कई बार आप गलत डेटा डाल देते हो, अपना नाम गलत डाल देते हो या सरनेम स्पेलिंग गलत डाल देते हो, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार मैन्युफैक्चरिंग डेटा नॉट फाउंड का भी एरर आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से ऑनलाइन या किस तरीके से कोई भी तरीके से आप ऑनलाइन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसको टीसी का जो ऑफिशियल साइट है, वो ही वहां से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको टीसी को मेल करना होगा, वो भी उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस आईडी पे आपको मेल करना है। दोस्तों, इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीसी सपोर्ट का जो आईडी है, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। किस तरीके का मेल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने हमारे एक जो सीएससी वाले, उसका ये ऐसा प्रॉब्लम आया था, और उसका जो डेटा नॉट फाउंड का, जो आधार डेटा नॉट मैच का एरर आ रहा था, उसके बाद हमने टीसी सपोर्ट में मेल किया था। उन्होंने दोबारा मेल किया हमको कि इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना के मेल करना है। तो दोस्तों, ये मेल जो फॉर्मेट है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डियर सर एंड मैडम, प्लीज टाइप एंड शेड द बेलो डिटेल। ये हमको टीसी सपोर्ट की ओर से मेल मिला था। उन्होंने ये फॉर्मेट दिया है कि आपका पहले आपको टीसी नंबर डालना होगा, उसके बाद नेम, करेक्ट नेम पर आधार कार्ड, यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड पे नाम है, वो यहाँ पे लिख के डालना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर आधार, उसके बाद आपको जेंडर लिखना है, उसके बाद आपको रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर, और उसके साथ आपको अटैचेड आईडी प्रूफ, यानी कि आपको एक अपना जो आधार कार्ड है, वही आपको अटैच करके मेल में भेजना है आपको। और उसके बाद एरर यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपको कौन सी एरर आ रही है। अगर आपको प्रोवाइड डेटा डिड नॉट मैच योर आधार कार्ड की एरर आ रही है, और करेक्शन की एरर आ रही है, या फिर मैनुपुलेटेड डेटा फॉन्ट की एरर आ रही है, जो भी आपको एरर शो कर रही है सीएससी के रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो एरर यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको इस ईमेल आईडी पे मेल भेज देना है। तो दोस्तों, 1 से 2 दिन में कंफर्म आपको रिप्लाई आ जाएगा टीसी की ओर से। आपको जो भी, अगर आपका टीसी कलेक्शन हो जाए, आपका नाम करेक्ट हो जाए, तो आपको सिर्फ डन लिख के ही ईमेल आपको भेजा जाएगा टीसी की ओर से, और कुछ भी डिटेल मेल में नहीं आएगा, सिर्फ डन लिख के आपको मेल आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि आपका जो टीसी का नाम से वो करेक्ट हो गया है। तो हमने मेल भेजा था, उसके 1-2 दिन में ही हमारा नाम जो करेक्शन था, वो हो गया था, और हमने सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल सीएससी से बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।